हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सूरज कंप्यूटर से। ये 4515 प्रिंटर है जिसकी कैरेज में प्रॉब्लम है। ये कार्डेड डिटेक्शन नहीं करती, ब्लैक, और हमें इसको चेंज करना है। ये हमारे पास नई कैरेज है जो उसमें से हम इसको निकाल के और ये नया लगाएंगे। इसके लिए हमें पहले ये पूरा प्रिंटर खोलना पड़ेगा, और खोलने के लिए हमें ये सारे स्क्रू पहले खोलने पड़ेंगे। फ्रेंड देख सकते हो आप, ये हमारे सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब ये हमारा जो डोर है ये ऊपर को आ जाएगा फ्लैट। देखिए ये हमारा बाहर निकल के आ गया है आसानी से। अब ये कैरिज है हमारी, इसको हमें बाहर निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले हम ये लॉक हटा देंगे, और हमारे इसमें दो चार स्क्रू होते हैं वो हम खोल लेंगे। ये हमारा स्कैनर है, ये यहाँ पे एक कनेक्शन होता है वायर की, स्कैनर वायर। इसको हम बाहर निकालने के बाद ऊपर को ये टापा उठा देंगे तो हमारा स्कैनर बाहर हो जाएगा। इससे हमें और आसानी हो जाएगी खोलने में। ये देखो, ये हमारी कैरेज के सारे नट खुल चुके हैं, और एक यहाँ पे साइड में लॉक होता है, एक पेच होता है यहाँ पे, तो इस पेच को हमें खोलना पड़ेगा पहले यहाँ से। देख सकते हो सर, हमारे पेज ये खुल चुके हैं। अब इसको हमें ऊपर को पुश करना है, इसके बाद हमारी कैरिज बाहर निकल जाएगी। उससे पहले हमें ये वायर हटानी है। ऐसे करके हमें ये सीधा वायर बाहर निकल जाएगी। ये हमारी कैरिज बाहर निकल चुकी है, अब इसकी जगह हम नई कैरिज लगाएंगे। हमने इसे जैसे निकाला था वैसे ही लगाएंगे। थोड़ा सा इधर उधर होने पे हमारी कैरिज ख़राब हो सकती है।
किसी में याद करना, देखो हमारा पेंटर ओके हो चुका है, पैक से पैक करना है बस, है ना। देख सकते हो हमारा पेंटर ये रेडी हो चुका है, अब इसे हम खाली हमें पैक करना है और कुछ नहीं करना है।